बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो हसान भाई आपके लिए, आपने इतनी सारी रिक्वेस्ट की कि हमें बीएस इंग्लिश की जो है फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा का बीएस इंग्लिश का फ़ीस स्ट्रक्चर है। आपने इतने सारे कमेंट्स किए, इतने सारे कमेंट्स किए। वैसे भी मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के फ़ीस स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। कि मैंने ये कहा था कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है सरगोधा यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि इस वाले डिपार्टमेंट की फ़ीस कितना है। तो आपने माशाल्लाह से इतने कमेंट्स, और एक और भाई भी था उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा कि भाई इंग्लिश का बता दो, भाई इंग्लिश का बता दो। भाई सब्र रखो, सारी चीज़ें इसी चैनल पर आ रही हैं आपके लिए। इतना ज़्यादा नेट नहीं होता मेरे पास, मतलब कि MBs नहीं होते, मैं अपलोड करता रहूँ हर टाइम वीडियोस। तो सबर क्या करो, इंशाल्लाह वीडियोस आती रहेंगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने लोग आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाएं और घंटी दबा दें ताकि आप तक हर वीडियो जो है पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखें वही बात, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, चाहे सरगोधा यूनिवर्सिटी का हो गया, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो गया, दो तरह की लिस्टें लगती हैं, मॉर्निंग की लिस्ट, इवनिंग की लिस्ट। मॉर्निंग की क्लास और इवनिंग की क्लास, जो मॉर्निंग की क्लास होती है उसकी फ़ीस थोड़ी कम होती है, जो इवनिंग की क्लास होती है उसकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है, और टाइमिंग का भी फ़र्क होता है। तो अगर आपका बीएस इंग्लिश में एडमिशन होता है तो आपको अगर पहले सेमेस्टर में जो फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी वो जमा करवानी पड़ेगी 20,950 रुपये पहले सेमेस्टर में, जब आपका अगर एडमिशन हो जाता है बीएस इंग्लिश में सरगोधा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। पहले सेमेस्टर में आपको कितनी जमा फ़ीस करवानी पड़ रही है, 20,950 रुपये। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में अगर आपका अगर आपका एडमिशन हो जाता है इवनिंग में, पहले सेमेस्टर में आपको इवनिंग में जो फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी बीएस इंग्लिश की वो होगी 24,900 रुपये। बात को समझ रहे हो ना, यानी कि मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो है 20,950। अगर आपके पास रजिस्टर है तो लिख लो, वैसे सुन रहे हो तो अच्छी बात है, अगर जाग रहे हो तो जाग जाओ, लाड लो, इस टाइम जागने का टाइम है, एडमिशन हो जाए बाद में सो जाना। तो पहली जो मॉर्निंग की जो फ़ीस है वो है 20,950 रुपये, और जो इवनिंग की फ़ीस है पहले सेमेस्टर की वो है 24,900 रुपये। अब इन दोनों में यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, 4,000 रुपये का, यानी कि 4,900 रुपये का ऑलमोस्ट 5,000 भी आप कर लो मॉर्निंग और इवनिंग की जो बीएस इंग्लिश का प्रोग्राम्स है इनमें फ़ीस का ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, आपको ये भी बात अब समझ लग गई होगी कि एक तो बीएस मॉर्निंग और बीएस इवनिंग में क्या डिफरेंस है, जो कि मैंने आपको बताया था। एक तो फ़ीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, जैसा कि आपको इस वाले फ़ीस स्ट्रक्चर से आइडिया हो रहा होगा। देन सेकेंड नंबर पर चलते हैं कि अगर आपका जो दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस होगी, क्योंकि पहले सेमेस्टर की फ़ीस ऑलमोस्ट मॉर्निंग की भी ज़्यादा होती है, इवनिंग की भी ज़्यादा होती है, तो अगर आपका एडमिशन होता है बीएस इंग्लिश में तो आपको जो दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी वो होगी 13,950 रुपये, अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन होता है। कितना, 13,950। सरगोधा यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस बहुत कम है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत, सीधी बात है। तो पहले सेमेस्टर में आपको 20,950 मॉर्निंग की, दूसरे सेमेस्टर में आपको 13,950 मॉर्निंग की जमा करवानी पड़ेगी। और इसी तरह आपकी तीसरे सेमेस्टर की फ़ीस आप कितनी रहेगी, वही 13,950, तीसरे की 13,950, और फोर्थ की, फिफ्थ की, सेवन्थ की, एट्थ की, और टोटल बीएस इंग्लिश के होते हैं 8 सेमेस्टर, और आपकी डिग्री जो है एंड हो जाएगी और आप लोग डिग्री लेकर घर चले जाओगे, आपकी बीएस इंग्लिश कम्प्लीट मॉर्निंग की होगी, इवनिंग की अभी कम्प्लीट होनी है डिग्री। तो अगर आपका इवनिंग में एडमिशन होता है बीएस इंग्लिश में तो आपको जो पहले दूसरे सेमेस्टर की फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी वो जमा करवानी पड़ेगी 16,400 रुपये। कितना, 16,400 रुपये। अगर आपका बीएस इंग्लिश में इवनिंग में एडमिशन होता है तो आपको जो दूसरे सेमेस्टर में फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी 16,400 रुपीज़ जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। मैं आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के पेरेंट्स इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं भर सकते, सारे स्टूडेंट अमीर नहीं होते, कुछ गरीब स्टूडेंट होते हैं। मैंने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ये सब कुछ फ़ेस किया हुआ है, बहुत बहुत गरीब स्टूडेंट भी देखे हैं। कभी तो ऐसे टाइम भी आता है कि यार, मतलब कि अल्लाह ताला हेल्प कर दे, अब मेरी सेमेस्टर की फ़ीस आने वाली है, लेकिन पैसे नहीं होते किसी के पास ना, मतलब कि हर स्टूडेंट ये चीज़ें फ़ेस करता है, मैंने भी ये चीज़ें फ़ेस की हैं। लेकिन बाद में जब सेमेस्टर की फ़ीस आने लगती तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा निज़ाम बना देता है जिससे आपके पेरेंट के पास किसी ना किसी सोर्सेज के थ्रू जैसे भी करते हैं वो आपके लिए फ़ीस अरेंज कर देते हैं और आप सेमेस्टर की फ़ीस दे देते हो। तो इसी तरह यानी कि आपको जो दूसरे सेमेस्टर इवनिंग का बीएस प्रोग्राम्स में फ़ीस देनी पड़ेगी वो होगी 16,400 रुपये,
तो अब तीसरे सेमेस्टर में, चौथे सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में, सिक्स सेमेस्टर में, सेवन्थ में, एट्थ में, और आपकी डिग्री एंड, और आपकी देन यही 16,400 रुपये फीस रहेगी। होप सो ये आपको डिफरेंस जो है समझ आ गया होगा। अक्सर लोग ये पूछ रहे थे कि सर मॉर्निंग और इवनिंग में क्या डिफरेंस है, और मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस में क्या डिफरेंस है। बाकी क्लासेस वगैरह में कोई फ़र्क नहीं, जो मेन जो चीज़ है वो यही है कि एक तो इनमें फ़ीस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। फ़ीस स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाती है तो बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आपका मॉर्निंग में होता है या आपका इवनिंग में होता है। आपका सिर्फ और सिर्फ फ़ीस स्ट्रक्चर में फ़र्क है, बाकी आपके टीचर भी वही सेम रहेंगे, यानी कि आपको सेम टीचर्स पढ़ाएंगे, मॉर्निंग को भी सेम पढ़ाएंगे, इवनिंग को भी सेम पढ़ाएंगे, और इसके अलावा आपके क्लासरूम्स भी ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर के सेम होते हैं, सेकेंड ईयर के सेम होते हैं, थर्ड ईयर के सेम होते हैं, फोर्थ ईयर के भी सेम होते हैं, यानी कि टीचर्स भी सेम, क्लासेस भी सेम, क्लासरूम्स भी सेम। इवन आपको लैब अगर कोई करवाते हैं, यानी कि इंग्लिश की तो लैब नहीं होती मोस्टली, लेकिन अगर आप कहीं पे कोई किसी इदारे में जाते हो एज अ विजिटर, यानी कि आपको यूनिवर्सिटी किसी जगह के ऊपर विजिट करती है, वो भी सब चीज़ें यानी कि ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, यानी कि इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। फ़ीस का फ़र्क है जो कि 7 से 8 हज़ार किसी डिपार्टमेंट में फ़र्क है, किसी में 10,000 फ़र्क है, जैसे कि बीएस इंग्लिश में अब 4,000 से लेकर 5,000 रुपये तक जो है फीस में फ़र्क आ रहा है। बाकी एज सच मॉर्निंग और इवनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग अब शायद ये बात मेरी समझ भी गए होगे, अक्सर वीडियोस में आप लोग शायद वीडियो को स्किप कर देते हो, जो भी करते हो इस चीज़ का मुझे नहीं पता, आप लोग फिर बताई हुई बातों को आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे होते हो, हालांकि वो मैंने सारी चीज़ें वीडियो में बता रखी होती हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जितना पूछते हो उसकी मैं तमाम दोस्तों की रिस्पेक्ट करता हूँ, और काफ़ी सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं जो मतलब अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उन तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया करता हूँ कि यार मतलब कि आपके कमेंट्स की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ। तो हसन भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं, और सॉरी अच्छी को छोड़ो, मतलब समझ आ गया कि नहीं आपको ये वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो मोस्ट वेलकम, तो आप ठीक है, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, जी जहाँ भी रहो आप सब लोग आबाद रहो, शाद रहो, और मेरे लिए भी दुआएं करना। तो मेरे भी यहाँ पे पेपर आने वाले हैं नेक्स्ट टाइम कुछ दिनों तक, 15 से स्टार्ट होने हमारे पेपर फार्मेसी डिपार्टमेंट के ना, 15 जो नेक्स्ट 15 आ रही है, अभी आज तो 24-25 डेट है ना, तो 15 से स्टार्ट हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स की नोटबुक। अभी मैं बना रहा था वो सामने बिस्तर पर, ये मेरे रूममेट्स गए हुए हैं खाना खाने, मैं उनका वेट करता हूँ कि शायद बाहर निकले और मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बना लूँ, नहीं तो पता नहीं स्टूडेंट्स परेशान होंगे या जो भी होगा। मैं अभी खाना खाने भी जाना है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाना और बेल आइकन प्रेस कर दें। और जितने स्टूडेंट परेशान हों, मैं बार बार कहते रहता हूँ, डोंट बी सैड, ठीक है, वन डे यू विल गेट एडमिशन इन योर फेवरेट यूनिवर्सिटी एंड यू विल गेट सक्सीड इन योर लाइफ। जी हाँ, हमें भी इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइज, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।